फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। तो टंकारा ग्राम गुजरात राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा ग्राम में किनका जन्म हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है चींटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। तो मूर्ति पर चढ़कर चूहा प्रसाद खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। ए ऑप्शन है नदी के किनारे, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है तालाब के किनारे, डी ऑप्शन है धान के खेत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो बाघ तालाब के किनारे बैठा हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो हिरण्य पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुआ, तो मुंबई में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था। ए ऑप्शन है कूस, बी ऑप्शन है सोना का कंगन, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो सोना का कंगन दिखा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो
तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है। ए ऑप्शन है ईश्वर, बी ऑप्शन है आलसी, सी ऑप्शन है दैत्य, डी ऑप्शन है क्रोधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है, तो भारत की शोभा को देखकर ईश्वर प्रसन्न है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घर से, सी ऑप्शन है पढ़ने से, डी ऑप्शन है व्यवहार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट को बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है द्वारिका में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि पटना कहाँ बसा है। ए ऑप्शन है गंगा के किनारे, बी ऑप्शन है समुद्र के किनारे, सी ऑप्शन है यमुना के किनारे, डी ऑप्शन है पर्वत के समीप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, तो पटना गंगा के किनारे बसा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गाँव किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गाँव किस राज्य में स्थित है, तो भीखन टोला गाँव बिहार राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय है। ए ऑप्शन है 1 कोस की दूरी पर, बी ऑप्शन है 1.5 कोस की दूरी पर, सी ऑप्शन है 2 कोस की दूरी पर, डी ऑप्शन है 0.5 कोस की दूरी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय है, तो 1 कोस की दूरी पर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है शुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ए ऑप्शन है जन्म से पूर्व, बी ऑप्शन है जीवन में, सी ऑप्शन है मौत के बाद, डी ऑप्शन है शादी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मौत के बाद होता है, यानी मृत्यु के बाद होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि यूनान का राजदूत कौन था। ए ऑप्शन है फहियान, बी ऑप्शन है वेंगसांग, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे। ए ऑप्शन है जीवराखन टोला में, बी ऑप्शन है बसावन टोला में, सी ऑप्शन है हरिजन टोला में, डी ऑप्शन है भीखन टोला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे। तो भीखन टोला में गरीब लोग रहते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है। तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। ए ऑप्शन है फल का, बी ऑप्शन है फूल का, सी ऑप्शन है अन्न का, डी ऑप्शन है सब्जी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। तो फूल का बहुत सा उत्पादन होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि महाभारत किनकी कृति है। ए ऑप्शन है व्यास की, बी ऑप्शन है वाल्मीकि की, सी ऑप्शन है भृगु की, डी ऑप्शन है कश्यप की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत किनकी कृति है। तो महाभारत व्यास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कैमूदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमूदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कैमूदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। ए ऑप्शन है कवच और कुंडल, बी ऑप्शन है तीर और धनुष, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के पास जन्म से ही क्या था। तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है कालिदास ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा। तो भगवान बुद्ध कहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 30 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं,
तो अब आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पे हम सभी लोगों का कमेंट देख रहे हैं कि 30 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंगराज किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है अर्जुन को, बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन ला के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।